गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ के जी क्लास बुक सब्जेक्ट इंग्लिश, पेज नंबर 19. डे ऑफ द वीक, दिन और हफ्ते. ओके बेटा, तो सो लेट्स स्टार्ट. दीज आर द 7 डेज इन अ वीक. दीज आर मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. देखिए बेटा, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं. ठीक है बेटा, 7 डेज होते हैं. और 7 डेज कौन कौन से होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार. ठीक है बेटा, ये तो हो गए हिंदी में. इंग्लिश में कैसे खुलते हैं इनको? मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. ओके बेटा, तो देखो बेटा आगे पढ़ते हैं. संडे इज़ द फर्स्ट डे. संडे हफ्ते का पहला दिन होता है. ऑफ द वीक इट इज़ अ हॉलीडे. इस दिन छुट्टी होती है. ओके बेटा, हॉलीडे होता है मतलब छुट्टी. संडे के दिन छुट्टी होती है. नेक्स्ट देखो बेटा, मंडे. मंडे इज़ द सेकेंड डे ऑफ द वीक. जो वीक, हफ्ता जो होता है, उसका दूसरा दिन होता है मंडे का. ओके, ट्यूसडे इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक. ट्यूसडे होता है तीसरा दिन. तीसरा दिन होता है हफ्ते का. ठीक है बेटा, वेनसडे इज़ द फोर्थ डे ऑफ द वीक. वेनसडे होता है फोर्थ डे, मतलब चौथा दिन होता है वेनसडे हफ्ते का. थर्सडे इज़ द फिफ्थ डे ऑफ द वीक. फिफ्थ डे होता है थर्सडे, मतलब पांचवा जो दिन होता है वो थर्सडे होता है वीक का. ओके बेटा, फ्राइडे इज़ द सिक्स डे ऑफ द वीक. फ्राइडे होता है छठा दिन. वीक का छठा दिन कौन सा होता है? फ्राइडे, माने शुक्रवार का दिन होता है. ओके, संडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक. संडे होता है लास्ट डे. ओके बेटा, वीक का लास्ट डे कौन सा होता है? संडे. ओके बेटा, इसी प्रकार से आपको ये लर्न करनी है 5 टाइम. और इसको आपको, ये आपकी रिवीजन की वीडियो है, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें. ओके.